तो कल के क्वेश्चंस में मैंने देखा, बताए थे आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखी हम लोगों ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम चार्जेस की इफेक्ट को पढ़ेंगे। एट रेस्ट, याद रहे, चार्जेस के इफेक्ट को पढ़ेंगे, बट मैंडेटरी है कि चार्जेस के जो सारे इफेक्ट देखे जाएंगे वो रेस्ट में देखे जाएंगे। फिर मैंने पढ़ाई आपको कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट किया करते हैं। एक सेकेंड बच्चों, तो चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, चार्जेस की प्रॉपर्टी में है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल, ये सारी चीजें हो गई हैं। देन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। ये देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप बना हुआ है, ओके, और इसमें दो गोल्ड के लीफ लगे हुए हैं जिनकी मदद से हम चार्ज को डिटेक्ट कर पाते हैं। देन इसके बाद मैंने बताया कि चार्ज के जो इफेक्ट्स हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज अगर वेरिएबल मोशन कर रहा है तो जो चार्ज है वो वेरिएबल मोशन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन कह लो, या उसी को कह लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो चार्ज है उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी साथ में एमिट करेगा, ये हो गई थी। देन इसके बाद पॉइंट चार्ज मैंने बताया कल कि पॉइंट चार्ज, अगर किसी बॉडी का चार्ज आप किसी एक पॉइंट पर कंसनट्रेट मानो तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पे पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आया है चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज डेंसिटी अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा, लास्ट में आएगा ये पॉइंट आएगा तो अपन भी उसको डिस्कस कर लेंगे कि चार्ज जो है हमेशा, चार्ज जो है चार्ज की डेंसिटी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, पॉइंट चार्ज हो गई। देन इसके बाद मैंने कल पूछा था कि कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, तो तीन टाइप के मटेरियल बताए अपन ने, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में डिस्कस करी, एडिटिविटी डिस्कस करी हम लोगों ने, क्वांटाइजेशन डिस्कस किया और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। चलिए बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इतना जो पार्ट है यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, और एक न्यूमेरिकल जाते जाते किया कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वी हैव कैलकुलेटेड 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। डन? यस सर। चलो ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है। अब जैसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों लिखो क्वेश्चन कॉपी में, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेवेंटी फाइव किलोग्राम जो आपके चार्ज है, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा बताइए। एक बार सोचिए कि 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना चार्ज क्रिएट करेंगे। सेवेंटी फाइव किलोग्राम मिलकर के कितना चार्ज क्रिएट करेंगे। देखिए अब इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपको दिक्कत जा रही है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं जाननी चाहिए आपको। आप लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो 75 किलोग्राम में, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और इस तरीके से 75 किलोग्राम में कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9, 75 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻³,
सो एन इक्वल टू 8.3 इंटू 10 की पावर 31। ओके नोट करिए इसको, सो एन इक्वल्स टू 8.3 इंटू 10 की पावर 31। तो इस तरीके से जो टोटल चार्ज आ गया वो जो आ गया हमारे पास क्यू इक्वल्स टू एन ई, तो एन मिल चुका है और ई का वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 निगेटिव में, तो आंसर आ गया -1.33 इंटू 10 की पावर 13 कूलम। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। क्यों हंसिका क्लास में है क्या, जुड़ी हो बेटा? नहीं है, चलो ठीक है। सो बच्चों एन इक्वल्स टू, हाँ इसमें किसी को कोई डाउट खुल के बोलो, बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, टोटल मास कितना दिया था इलेक्ट्रॉन का, 75 किलोग्राम। अब ये पता करो कि भैया जब एक इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10 की पावर -31 होता है तो 75 किलोग्राम का कितना होगा, 75 दो तो उतने इलेक्ट्रॉन आ गए और उतने में ई का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया। बोलो डन, क्लियर है, बन जाएगा एग्जाम में आएगा तो। यस सर, देखो यस सर, रिप्लाई सबको करना है, नहीं तो जो नहीं बोल रहा है ना वो गलत बात है भाई, फिर मतलब उसको नहीं बनेगा, मैं इसलिए यस बोल सर। रहा हूँ। हाँ जी चलो, अगला कंसेप्ट कल मैंने बताया था कि डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है कि चार्जिंग के कितने टाइप के मेथड हैं। तो कल मैंने बताया कि जो चार्जिंग है वो चार्जिंग बाई कंडक्शन है और चार्जिंग बाई इंडक्शन है। अभी आप समझो चार्जिंग बाई इंडक्शन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है अपने प्रभाव से किसी चीज़ को चार्ज कर देना बिना टच करे। जहाँ पे कंडक्शन आता है वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है, बट जहाँ पे इंडक्शन आता है बच्चों वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ लिखी हुई है। अब देखिए क्या होता है इंडक्शन में चार्जिंग को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बेटा शुरुआत में आपके पास में जो है, शुरुआत में आपके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर रहेगा, न्यूट्रल। अच्छा अनचार्ज मतलब न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? न्यूट्रल का मीनिंग होता है जितने नेगेटिव हैं उतने पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो काउंट कर लो 5 नेगेटिव हैं 5 पॉजिटिव हैं, मतलब ये देखा जाए तो क्या है, ये न्यूट्रल है। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव पार्टिकल इक्वल टू नेगेटिव पार्टिकल। अब क्या किया तुमने, तुमने इसको चार्ज करने के लिए एक कंडक्टिंग रॉड इसके बाजू में लेकर के आके खड़े कर दिए। कंडक्टिंग रॉड कैसी चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इस प्लस के लालच में आकर के माइनस वाले क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। माइनस वाले क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। तो माइनस वाले पूरे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और प्लस वाले पूरे चार्ज इधर आ गए। बोलो यस कि नो? यस। अब तुमने क्या किया, माइनस वाला इसको लालच दे करके बैठा हुआ है, बोल रहा है आ जा मेरे पास, है ना, मैं तेरे को संभाल लूंगा ये माइनस। और तुमने चुपके से क्या कर दी, यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दी। ग्राउंड, ग्राउंड में क्या होता है कि जिस एंड से ग्राउंड करोगे वो पूरे के पूरे चार्ज वहाँ के चले जाएंगे ग्राउंड के अंदर। तो बेटा ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड के अंदर चला गया, क्यों? क्योंकि वो बाउंडेड नहीं था। ये वाला जो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना राइट साइड में, ये बाउंडेड नहीं है, ये लूजली है, ये खुला हुआ था, तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड में चला गया। बट ये किसके साथ, इसके लालच में बेचारा था कि ये मेरे को टच करेगा और मैं इसके अंदर कूद जाऊँगा। बट देखो जैसे ये चला गया, अपन ने इसको दिखाया ग्राउंड हटाया, जैसे ग्राउंड हटाया तो सीन क्या बना, केवल नेगेटिव नेगेटिव रह गए, नेगेटिव रह गए। अब जैसे ही आप यहाँ से ये प्लस वाला हटाओगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सब इलेक्ट्रॉन है ना। और कल मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई करके रखना चाहते हैं क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बोलो तो पूरी प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई? बोलो सभी लोग क्लियर हुई कि नहीं हुई पूरी प्रोसेस? यस सर। तो इस तरीके से बच्चों शुरुआत में ये अनचार्ज था, देखो पहले न्यूट्रल था क्योंकि इसके ऊपर जितने नेगेटिव थे उतने पॉजिटिव थे। अब देखो क्या हो गया, ये चार्ज हो गया है, तो यहाँ से ये अनचार्ज से चार्ज हो गया। तो बताओ क्या हुई, चार्जिंग हुई कि नहीं हुई? यस सर। हाँ कोई फिजिकल टच नहीं है तो बताओ कंडक्शन है कि इंडक्शन है? इंडक्शन। बिल्कुल सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो बेटा अब इसके बाद पूछते हैं मेथड नंबर टू। चलो मेथड नंबर टू मेरे को एक्सप्लेन करो बेटा, कौन एक्सप्लेन करेगा? अंजलि, अंजलि। यस सर। हाँ भाई मेथड नंबर टू मेरे को एक्सप्लेन करो, है ना, मेथड नंबर टू बताओ क्या सीन है मेथड नंबर टू में, कैसे होगा क्या होगा बताओ जरा। शुरुआत में क्या था सर, दो अनचार्ज मेटल्स पेयर हैं, वो एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? बट वो पूरी वर्ल्ड से इंसुलेटेड हैं।
हाँ पूरे वर्ल्ड से इंसुलेटेड है, फिर क्या हुआ? अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर द स्फेयर. एक पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड होती है उसको स्फेयर के पास लाए ठीक है, और जैसे पास में उसको लेके आए इसके पास में, तो ये नेगेटिव वाले इधर खसक गए, नेगेटिव चार्ज के पास उस में लाए. क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते कंडक्ट कर जाएंगे, वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, बोलो यस। यस सर. मतलब इधर वाले भी जो है ना वो चल करके इधर आ जाएंगे इसकी तरफ, और पॉजिटिव वाले पूरे राइट साइड पे पहुंच जाएंगे। पूरे छोड़ दिए. हाँ नाउ द स्फेयर्स आर सेपरेटेड बिफोर द रॉड इज रिमूव्ड. हाँ अब इसके स्फेयर अलग हो जाते हैं, हाँ मतलब रॉड हट जाती है तो स्फेयर भी अलग हो जाते हैं एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी सेपरेट हो जाते हैं. बस। अब देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नेगेटिव इसको दिखाए रखा और दूरी बढ़ाते गया, तो जब मैं दूरी बढ़ा रहा था तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग का टच हट रहा है, बट जैसे दूरी ज़्यादा बढ़ गई तो इनको लग गया अरे हमारे तो नेगेटिव पूरे इधर चले गए और पॉजिटिव पूरे इधर आ गए, इसका मतलब यस दोनों चार्ज हो गए। अब देख लो एक नेगेटिवली चार्ज हुआ है और एक पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। सर. अच्छा ये बताओ दोनों में इक्वल चार्जेस आएंगे कि अलग अलग आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव? सर इक्वल आएंगे. बिल्कुल सही, अगर इसमें माइनस क्यू आएगा तो इसमें कितना आएगा बच्चों? प्लस क्यू। प्लस समझ में आया सभी को? यस सर. सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई यस इंडक्शन। सर. बेटा ये है अपना चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है ना? चलो अब पढ़ते हैं बेटा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वैसे सभी को पता होगा कि दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं, है ना, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस अगर रखे हुए हैं, मतलब चार्जेस किस पे हैं? रेस्ट पे। तो अंडरलाइन करना भाई, ये तब लगेगा जब चार्जेस रेस्ट पे हों। ओके तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो दोनों के इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। सो एफ इज प्रपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, एफ इज प्रपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, एफ इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो उनके प्रोडक्ट के प्रपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होगा। ये नंबर वन रिलेशन और ये नंबर टू। दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों को मर्ज कर दोगे जैसे आप, तो अपने पास इक्वेशन निकल करके आएगी, वो क्या निकल करके आएगी? एफ प्रपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सो अगर यहाँ से प्रपोर्शनलिटी हटेगी तो कुछ कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज स्मॉल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ये जो स्मॉल के है इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसने काय का ठेका ले रखा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ने, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ने ठेका ले रखा है मीडियम का। मीडियम मतलब ये कांस्टेंट जो है ये कहता है कि मैं वैल्यू एडजस्ट करूंगा तुम्हारे फोर्स की। कैसे? मीडियम का ठेका कैसे ले रखा है? मान लो ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है क्योंकि देखो फॉर्मूले में दोनों बैठे हैं, इनके बीच की दूरी पे भी तो डिपेंड कर रहा है, मगर साथ ही साथ इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है कि तुमने इन दोनों के बीच में क्या भर रखा है। अगर हवा भर रखी है तो इस के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हवा भर रखी है, क्योंकि हवा की परमिटिविटी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, अगर हवा भर रखा है तो इस के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम भर रखा है तो इस के की वैल्यू होगी 1/4 पाई। अब मान लो मीडियम में क्या भर रखा है? बीच में पानी भर रखा है, तो हवा के लिए आता है नॉट, तो मीडियम वाटर के लिए क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर। तो अगर मैं जनरली बात करूं किसी भी मीडियम के लिए तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। जी हाँ, तो अगर मैं के की जनरल वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो बच्चों के की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्साइलन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका मेन कूलम्स लॉ का, इसको नोट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्साइलन मीडियम क्या है? ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये जो आपकी मीडियम की परमिटिविटी है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब
अब बेटा मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला नोट करूं, ये नोट कर लिया पहला वाला, समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। अब मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला नोट करो बच्चों, मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू हवा की परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। ऐसा क्यों? अब तुम इसको सिंपल लॉजिक में समझो, जैसे मैं कहूँगा कि मिल्क का गाढ़ापन एप्साइलन ऑफ मिल्क, मिल्क का जो गाढ़ापन होता है वो आप किसके रिस्पेक्ट में नापते हो? पानी के रिस्पेक्ट में, कि जो हमारा मिल्क है वो पानी का कुछ ना कुछ गुना है। तो ऐसे ही समझ लो बस इसको, कि जो मीडियम होता है वो हवा का कुछ ना कुछ गुना होगा, एंड दैट गुना इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दैट गुना इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू हवा की परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो मेन फार्मूला जो बनता है बच्चों वो बनता है फोर्स का, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि मीडियम था ना यहाँ पे, अपॉन आर। देखो पूछना जहाँ पे भी दिक्कत हो। सो ये है बच्चों मेन फार्मूला। यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन मीडियम, मीडियम का घनापन इक्वल टू हवा का घनापन मल्टीप्लाइड बाई उसका कुछ गुना। सो व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इक्वल टू मीडियम का गाढ़ापन डिवाइडेड बाई हवा का गाढ़ापन। यस, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को कैपिटल के बोलते हैं। सर फिर से बता दीजिए एक बार। ओके बेटा, इसको कैपिटल के से भी शो करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। चलो देखो, मैंने क्या तुमको एक्सप्लेन किया आज, मैंने बताया सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन बताई, मैंने कहा फोर्स में आता है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम की बात करोगे ज़्यादा अच्छे रूप में तो 1/4 pi एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। क्या है ये? मीडियम की प्रॉपर्टी है कि मीडियम कितना गाढ़ा है। अब ये बताओ मेरे को कि मीडियम जो होगा वो हवा के गाढ़ेपन का कुछ गुना होगा कि नहीं होगा? यस सर। बस, तो वो जो जो गुना है ना उसी को बोलते हैं अपन रिलेटिव परमिटिविटी। सो क्या बनेगा फॉर्मूला? एफ इक्वल्स टू 1/4 pi मीडियम की परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। नोट कर लो। ओके, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। सो व्हाट इज एप्सिलॉन आर? यहाँ से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बना लो भाई। एप्सिलॉन आर दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। लिख लो बच्चों, अच्छे से नोट कर लो, ज़्यादा चीज़ें नोट करनी नहीं है, कुछ ही चीज़ें करनी है क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो उन्हीं उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, उनको नोट कर लो। ठीक है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द एयर। ठीक है बच्चों, इसको रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैपिटल के से भी शो करते हैं, एक बार और बताऊंगा। मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे ही हम बोलते हैं कैपिटल के। कैपिटल के, कैपिटल के को बोला गया बेटा नाम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, नोट कर लो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, जो आप लोग याद करे होगे, फॉर्मूला बनेगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स।
एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्रोवाइडेड इन अ सम मीडियम वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हाँ भाई आर्यन समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत कहीं पर किसी बच्चे को तो पूछो। ठीक है सबको समझ में आ गया? यस सर। देखो बच्चों ये जो अपने पास फॉर्मूला आ चुका है फोर्स का, एक बार फॉर्मूला फोर्स का फिर से रिकॉल कराता हूँ। क्या बना फोर्स का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चाहे एप्सिलॉन आर लिख लो चाहे के लिख लो और Q1 Q2 अपॉन R2। या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के, इसको दिया था ना मैंने नाम, इसका नाम के था, एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई R2। तो दोनों फॉर्मूले एकदम सही है। अब आगे की बात करेंगे कि देखो यहाँ पर जो F है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिख लो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जो फोर्स है वो रेडियस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिख लो, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है, और जहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा बच्चों, वहां पर जो सिमेट्री बनेगी ना, वहां पर जो सिमेट्री बनेगी वो बनेगी स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री मतलब जो कुलाम्स लॉ लगता है ना, तो अपने चारों तरफ स्फेरिकल सिमेट्री जोन बनाता है। मतलब एक बड़ा गुब्बारा जिसके बीच में चार्ज बैठा हुआ, कुछ इस तरीके से। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आने दो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ बताओ क्या नहीं क्लियर? अभी तक जितना पढ़ाया उसमें क्या नहीं क्लियर बोलो बच्चों एक बार, सब कुछ क्लियर? अंजलि? यस सर। सुष्मिता क्लियर है सब कुछ? यस सर। हाँ बेटा, तो एफ प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया अपने पास पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एफ का मैंने फॉर्मूला बना दिया। यस, के की वैल्यू पढ़ ली बच्चों। सो देखो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। और बच्चों वैल्यू लिख लो, के की वैल्यू जो है, स्मॉल के है ये, स्मॉल के की वैल्यू ये क्या है, कौन सा के है, देखो मैं लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R2। तो के की वैल्यू, ये जो की वैल्यू बच्चों, दो वैल्यूज हैं SI सिस्टम में। अगर K की वैल्यू लिख लो बच्चों, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, साथ में वैल्यू नोट कर लो, 9 × 10^9 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। SI सिस्टम में K की वैल्यू ये होती है, और CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 दी गई है। CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 है, CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम लोग अपने डाउट पूछोगे तो। डाउट बंद मत रखना, डाउट पूछना, जहाँ भी डाउट हो, छोटा डाउट हो बड़ा डाउट हो पूछना। डाउट पूछने से क्लास बड़ी जीवित लगती है। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में आपको पेपर में दी रहेगी वैल्यू, इसकी एग्जाम में दी जाती है इसकी वैल्यू, याद करके नहीं जाना होता है, फिर भी इतने बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि याद हो जाती है इसकी वैल्यू। ओके, कैसे आती है? देखो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ और 4 पाई को नीचे ले जाओ। कैसे लिखोगे? देखो इसको, अगर आप मुझसे सवाल करोगे ये सर वैल्यू कैसे आई, तो आप देखोगे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10^9 है। तो आप कहोगे सर मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, 1 है 4 बैठा है, पाई का मतलब कितना 3.14, और ऊपर से इसको नीचे खींच के ले आओ तो हो गया 9 × 10^9। क्या बचेगा ऊपर जाकर के? एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर दो बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी
8.85 इंटू 10 की पावर -12। भाई नोट्स ग्रुप में पड़े हुए हैं, दोनों के ग्रुप में पड़े हुए हैं, जिनके पास नोट्स ना हो मेरे से पर्सनल मैसेज करके लिख देना मैसेज में, ये वाला नोट चाहिए सर, भेज दूंगा। ठीक है चलो, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। डन बच्चों, चलो अब एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट और डेवलप करवाता हूँ आप लोग को मैं। वो छोटा सा कंसेप्ट क्या है देखो बच्चों, वो छोटा सा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं बोलूँगा एयर में लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो क्या होगा एयर वाला फोर्स, 1/4πε₀Q1Q2/r² और मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या होगा बच्चों, मीडियम में लगने वाला फोर्स होगा 1/4πε₀Ε₀r, क्योंकि मीडियम गाढ़ा हो गया ना, मीडियम गाढ़ा हो गया इसलिए एप्सिलॉन आर आ गया, एप्सिलॉन आ रहा है तो फोर्स क्या हो गया कम हो गया, Q1Q2/r² बेटा। ये नंबर वन ले लो, ये नंबर दो ले लो। अब क्या करो, वन से टू को डिवाइड कर दो बच्चों, तो 1/2 कर दिया, देखो क्या हुआ, F0/F medium मतलब एयर वाला फोर्स डिवाइडेड बाई मीडियम वाला फोर्स इक्वल टू, देखो कैसे डिवाइड करता हूँ, बिल्कुल बच्चों टाइप डिवाइड करूँगा, 1/4πε₀Q1Q2/r² डिवाइडेड बाई 1/4πε₀Q1Q2/r² कट गए, केवल क्या आ गया, केवल एप्सिलॉन आर आ गया ऊपर। सो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम केवल आ गया कितना, नीचे एप्सिलॉन आर, पलटी मार के क्या आएगा इधर आएगा से ऊपर, ये लो। तो अच्छा लिखो, मन को शांति मिले, एप्सिलॉन इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। सो एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, ओए ओए ओए, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। नोट कर लो बच्चों, ये चीज नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि के की वैल्यू। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिफाइन करो अंजलि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अंजलि डिफाइन करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने कल की क्लास में पढ़ाया था क्या? नहीं बेटा अभी पढ़ाया ना, अभी पढ़ाया, कल तो मैंने पढ़ाया नहीं था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी पढ़ाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बताओ। ये दिख रहा है, देखो साफ साफ यहीं से दिख रहा है ना, क्या निकाला आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चे, K इक्वल टू निकाला आपने F0/F medium। बोलो अंजलि निकाला कि नहीं निकाला, आमिन बेटा क्लास में हो, आवाज आ रही मेरी, आमिन भी क्लास में नहीं लगता है। तो K इज इक्वल टू F0/F medium मतलब वॉट, F0 का मतलब फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर सर। हाँ, सो व्हाट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन एयर टू व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम। तो बच्चों नोट कर लो ये फॉर्मूला, और फीलिंग आई है तो बताओ, नहीं आई तो भी बताओ। समझ में आ गया, समझ में आ गया? Yes, sir. अब फीलिंग वाली बात देखो, तुम भूलोगे नहीं, ऐसी फीलिंग देंगे कि भूलोगे नहीं। ये दो चार्ज थे बेटा Q1 और Q2, पहले ये हवा में रखे हुए थे, तो इनके बीच कितना फोर्स काम कर रहा था, मान लो F0, हवा वाला फोर्स। अब ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और इनके बीच में तुमने कोई मीडियम ला करके रख दिया, इनके बीच में मीडियम ला करके रख दिया, सपोज कुछ भी भर दिया इनके बीच में, है ना, मिट्टी रेत पानी, है ना, कोका कोला भर दिया, कुछ भी भर दिया, तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो गया F medium। अब जरा मुझे सोच करके बताओ कि पहले हवा थी अब मीडियम थी, अब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बताओ किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा पहले, अच्छे से फोर्स अपनी बात को कम्युनिकेट कौन कर पा रहे होंगे, पहले मीडियम में कि दूसरे मीडियम में? सर पहले मीडियम में, पहले मीडियम में। दूसरे मीडियम में क्या फोर्स कम हो जाएगा उनके बीच का, कम्युनिकेशन कम हो जाएगा? बोलो हाँ। Yes, sir. तो बेटा सिंपल लॉजिक है देखो, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड, क्योंकि कम करना है ना, मीडियम वाला फोर्स कम लेके आना है, तो लियो रट लो बच्चों,
या फॉर्मूला, मीडियम का फोर्स इक्वल टू हवा के फोर्स का डिवाइडेड बाई के। बोलोगे सर इससे क्या हुआ, के को ऊपर लेके जाओ तो मीडियम अपने आप नीचे आ जाएगा, तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। मीडियम का फोर्स इक्वल टू का फोर्स डिवाइडेड बाई कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो कैपिटल के इक्वल टू क्या हो गया, एयर का फोर्स डिवाइडेड बाई मीडियम का फोर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। बस तो आपको तो फॉर्मूले याद करने हैं, दो फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, नोट करो किसी भी बच्चे को कोई डाउट आए डाउट पूछो, बिना डाउट के फिजिक्स अधूरी है, डाउट बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है। डन, आगे बढ़ने की इजाजत है। यस सर। चलिए ओके, बेहद सिंपल क्वेश्चन, बेहद सिंपल क्वेश्चन। चलिए भाई सवाल का जवाब दीजिए। टू पॉइंट चार्जेस ऑफ टू माइक्रोकुलम एंड सिक्स माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इफ नाउ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज माइनस 4 माइक्रोकुलम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। बताओ भैया नया फोर्स क्या होगा। मैं हेल्प नहीं करूँगा अगले 5 मिनट तक, मुझे निकाल के बताओ फोर्स क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम लड्डू। आर्यन बेटा, अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बड़ी बुरी बात है। तुम्हें 2 बार कराया मैंने ये क्वेश्चन, बनना सर। तो आंसर बताओ। भाई बन रहा है बताओ, आंसर आया किसी का। सर -4। -4 न्यूटन। अच्छा भैया देखो यार, भाई अगर -4 बोल रहे हो ना, माइनस का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, बस ये लॉजिक है, माइनस का मतलब अट्रैक्शन फोर्स। अब आ जाओ देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस हैं +2 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम के रखे हुए हैं, तो एक लो भैया ये रखा हुआ है +2 का, ये प्लस का रखा हुआ है, और थोड़ी दूर में इससे क्या रखा हुआ है +6 का, ये देखो ये रखे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को कितने जोर से मार रहे हैं, रिपल्सन करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ये 12 से धक्का मार रहा है भाग यहाँ से, और ये 12 से धक्का मार रहा है भाग यहाँ से, ये देखो। ओके मतलब पहले कंडीशन का फोर्स कितना ले लो, तो भैया एक काम करो पहले लिख लो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R2। सर के की वैल्यू क्यों नहीं डाली, अरे क्यों डालूं, मीडियम है ही नहीं कोई चेंज, तो ये पहला ये फॉर्मूला अपने पास। चलो देखो अब दूसरा सीन क्या कह रहा है, दूसरा सीन कह रहा है कि इन दोनों में -4 को लाम टच करा दिया गया, तो जैसे इस +2 में -4 टच कराओगे, तो कल मैंने पढ़ाया था कि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, तो +2 और -4 लड़े तो आंसर कितना आया,
माइनस टू कूलम, और ये वाला प्लस सिक्स में माइनस फोर टच कराओगे तो सिक्स और माइनस फोर कितना हुआ माइनस टू, बोल बना कि नहीं बना? यस सर। ओके बन गया। अब देखो ये पहला वाला फोर्स है एफ वन और ये दूसरा वाला फोर्स। एफ वन देखो, एफ वन की वैल्यू लिख दो के, क्यू वन कितना है 2 माइक्रो, ठीक है ना, क्यू टू कितना है 6 माइक्रो, डिस्टेंस पता नहीं, आर मान लो आर का स्क्वायर। एफ टू दूसरा वाला फोर्स, के की जगह के क्यों सर, के क्यों, क्योंकि मीडियम बदला ही नहीं है तो के कांस्टेंट है। क्यू वन कितना हो गया देखो, लड़ करके प्लस टू में माइनस फोर लड़ गए थे तो -2 माइक्रो, और दूसरा कितना हो गया था +2 माइक्रो। ओके अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो दो फोर्स हमारे पास आ गए हैं, अब दोनों को डिवाइड कर दो बस, ये दोनों को अपन को इसको डिवाइड कर देना है तो अपन से सही हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपन अपने घर पे, ये ले गए अपन इसको, ठीक है। चलो तो भैया एफ वन की वैल्यू है तो एफ वन अपॉन एफ टू कर दो, तो पहला वाला फोर्स है के के, ठीक है ना, क्यू वन यानी कि 2 माइक्रो, क्यू टू मतलब 6 माइक्रो, अपॉन आर का स्क्वायर, 6 माइक्रो अपॉन आर का स्क्वायर, एंड ये अपने पास कितना भैया के के, किधर कितना आया -2 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ऊपर कितना बच गया, इधर बचा एफ वन, इधर बचा एफ टू, यहाँ पर कितना है 2 6 12, नीचे 2 2 4, वो भी माइनस का 4। चलो ये भी आपने पास आ गया 2 2 4। अब यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग एफ वन अपॉन एफ टू, अब F1 हमको जो दिया गया था शुरुआत में दिया गया था कि इनके बीच का पहले वाला फोर्स 12 न्यूटन है, 12 न्यूटन, तो करना क्या है पहले तो इसको काट, इसको काट दो, 4 3 12, तो कितना आ गया F1 अपॉन F2 इक्वल टू -3 अपॉन 1, नीचे कुछ नहीं है। अब कह रहा पहला वाला फोर्स जो था 12 न्यूटन है, दूसरा वाला फोर्स फाइंड करो ये कितना आया है -3, तो -3 को नीचे ले आओ, एफ टू ऊपर चला जाएगा, तो एफ टू इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई -3, कैंसिल हो गया बच्चों आंसर, एफ टू इक्वल टू न्यूटन, तो -4 न्यूटन। -4 का मतलब होता है, -4 का मतलब होता है 4 न्यूटन करना है आपको, और कैसा फोर्स है, माइनस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, माइनस का मतलब अट्रैक्टिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो यस ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको और छोटे मेथड से मैं सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ, और छोटा मेथड। देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या नहीं बदला, क्या क्या नहीं बदला, डिस्टेंस नहीं बदली मतलब आर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर मीडियम नहीं बदला मतलब के का कोई रोल नहीं है, तो पूरा पूरा रोल किसका है, पूरा पूरा रोल है क्यू वन क्यू टू का, तो बस प्रोपोर्शनैलिटी आपको लगानी आनी चाहिए। तो पहला वाला सीन एफ, अब जान इतना तो पता होगा कि वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू, तो यही रूल यहाँ लगा दो, तो एफ वन अपॉन एफ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले वाले चार्जेस क्यू वन क्यू टू और दूसरे सीन के चार्जेस क्यू वन डैश क्यू टू डैश, इतना थोड़ा आना चाहिए बेसिक फिजिक्स। चलो पहला वाला फोर्स कितने न्यूटन, 12 न्यूटन, दूसरा वाला फोर्स पता नहीं एफ टू, पहला वाला चार्ज कितना था भैया देखो टकराने के पहले बार +2 +6, तो ऊपर 2 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो, नीचे टकराने के बाद ये हो गया था -2 माइक्रो और ये कितना हो गया था 2 माइक्रो। चलो माइक्रो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 12 अपॉन F2, बोले तो -3, ठीक है ना, सो आंसर F2 इक्वल टू 12/3 मतलब 4 न्यूटन माइनस का। बोलो क्लियर है? क्यों, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं था, ना रेडियस इन्वॉल्व थी, ना डिस्टेंस इन्वॉल्व था, ना मीडियम इन्वॉल्व था, तो डायरेक्टली चार्ज से चार्ज पे खेल दिया अपन ने,
बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। ओके सभी बच्चे बोले, केवल एक बच्चे की आवाज़ आई है। देखो यार ऐसा नहीं करा करो, जब हम पूछें कि सभी लोग को समझ में आया तो कितने बच्चे जुड़े हैं, 13 लोग हो कम से कम, तो यार 10 लोग तो बोलो। ठीक है आर्यन क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है ये हो गया बेटा पहला सवाल। तो पहले सवाल को इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है ना, आंसर आ गया -4 न्यूटन। ठीक है समृद्धि बेटा फिजिक्स की क्लास चल रही है, अभी क्लास नहीं होगी ना, उसके बाद होगी, क्लास हो जान दो फिर कॉल करूँगा। चलो देखो देख अब इसके बाद है बच्चों कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में केवल एक बात लिख लो बच्चों, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखने लायक बात है, एक छोटी सी बात है कूलम्स वेक्टर वेक्टर फॉर्म में। अभी हमने जो पढ़ा वो कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म था, उसमें आपने क्या देखा, उसमें आपने देखा एफ इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर, ये आपने वेक्टर फॉर्म में देखा। तो अगर आप सॉरी गलत बोल गया, स्केलर फॉर्म में देखा, तो आपने स्केलर फॉर्म में क्या देखा, स्केलर फॉर्म में आपने महसूस किया कि f जो होता है r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी बात को वेक्टर फॉर्म में नोट करूं, वेक्टर फॉर्म में क्या चीज आएगी, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। जब तक मैं किसी चीज़ के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया हूँ इसका मतलब वो चीज़ मैग्नीट्यूड है, तो चाहे दुनिया मॉड आर बोले या सीधे आर बोले बेटा बात एक ही है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ये है बच्चा मैग्नीट्यूड। तो इसको नोट कर लो, ठीक है इसको नोट कर लो। तो स्केलर फॉर्म में एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है चले आएंगे, इजाजत है? यस सर। ठीक है चलिए तो वेक्टर फॉर्म में बस इतना ही है। अब आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन जो बहुत धूम धड़ाके के साथ जेई में आते हैं, खूब तरीके से आते हैं जेई में और आपके दुनिया भर के एग्जाम्स में। चलो बच्चों हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, एक केवल हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना सब ठीक ठाक चल रहा है, हमारी जिंदगी में अगर सब ठीक ठाक चल रहा है इसका मतलब हमारी जिंदगी में कैसे फोर्सेस काम कर रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस। अगर हमारी ज़िंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में बैलेंस फोर्सेस काम कर रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस का मतलब ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्ट फोर्स जीरो हो, जैसे 5 न्यूटन का यहाँ लग गया 5 न्यूटन का यहाँ, दोनों लड़ मरे आपस में और जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, जीरो। याद रखना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में फोर्सेस तो लग रहे हैं मगर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जिनका नेट रिजल्टेंट जीरो है, तो हम कहेंगे कि हमारे ऊपर बैलेंस फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो सारे बैलेंस फोर्सेस क्या बना रहे हैं, वो जनरेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, मतलब मैं जो हूँ वो इक्विलिब्रियम में हूँ। जैसे कहते हैं ना कि जीवन का मूल मंत्र है एक हाथ ले और एक हाथ दे, ये भी एक इक्विलिब्रियम है कि आप समाज से कुछ ले रहे हो और समाज को कुछ में अपनी ज़िंदगी कट रही है ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। तो अगर आप लेते ही लेते जाओगे तो गड़बड़ है और देते देते जाओगे तो भी गड़बड़ है, तो अगर आपको बैलेंस बना करके चलना है तो एक हाथ ले और एक हाथ दे का सिस्टम हर जगह फॉलो करना पड़ेगा, यही प्रकृति का रूल है। तो अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उस पर काम करने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा इसी बात को बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस काम कर रहे हैं, या इसी चीज़ को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में मैंने यहाँ पे दो चीज़ें क्यों बनाई, ये दो पार्ट क्यों करें, क्योंकि मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम, और दूसरा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। अब सर ये इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में क्या फ़र्क है, एक बढ़िया आइडिया आया मेरे को, चलो उस आइडिया को बताया जाए। ये बेटा एक बड़ा परिवार है,
इस बड़े परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सदस्य वन है, सदस्य टू है, सदस्य थ्री है, सदस्य फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, ऐसे लेकर के मान लो 30 मेंबर्स हैं। इस 30 मेंबर में ये कुछ मेंबर हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, फ्यू कोई भी पकड़ लो, मान लो 11वां नंबर लिया। ये 11वें नंबर वाले की लाइफ मस्त चल रही है इसी फैमिली का है, पूरा इसी फैमिली का, मगर की जो लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ, वो बड़ी अच्छी चल रही है। मतलब ये किसी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं है, पढ़ाई लिखाई हो गई, जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आराम से सब कुछ कमा दमा रहा है, बढ़िया लाइफ चल रही है। मतलब है क्या ये? ये इस बड़े से सिस्टम का एक छोटा सा चार्ज है और इसकी लाइफ मजे में है। तो मतलब क्या होगा, इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। इस चार्ज पर कहाँ बैठा 11 नंबर, सपोज ही बैठा है। दूसरों से मुझे मतलब नहीं है कि दूसरों का क्या होगा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब हर एक बंदे पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो, तो अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो मुझे सबके लिए शर्त लगाना पड़ेगा कि नेट फोर्स बराबर कितना, जीरो हर एक बंदे। और अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो ध्यान से रखना ये, फिर मुझे मतलब नहीं है कि मेरे भाई, दूसरे भाई, चाची का लड़का, इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मुझे फिर मेरी ज़िंदगी से मतलब है। तो समझ में आया, दो तरीके की इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम और एक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है। चलो तो आओ भैया करते हैं एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पे। देखो हेडिंग डालो बच्चों, पहला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। बड़े सुंदर नोट्स आपको बना के दिए गए हैं, बहुत मजा आएगा उन नोट्स से जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। बड़े अच्छे अच्छे तगड़े कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी आपको, बिल्कुल सहजता से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। हाँ जी बेटा बोलो। सर स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो अभी पहुंचे नहीं है बेटा, वो जो आप सवाल कर रहे हो ना स्टेबल अनस्टेबल, वो है डाइपोल का, वो जो कंसेप्ट है बेटा वो है डाइपोल का। तो अभी डाइपोल पे बस पहुंचेंगे कुछ दिन में, तो उस पर भी हम बात करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज मतलब आइसोलेटेड, अकेला, समझ गए ना? Yes, अभी अकेले की बात हो रही है, अभी दोनों की शादी करा देंगे प्लस और माइनस की, तो वो दोनों बन जाएंगे डाइपोल, समझ गए ना। और प्लस और माइनस की शादी होने के बाद फिर इक्विलिब्रियम के लिए फिर जरूरी है कि ये भी सुखी हो और ये भी सुखी हो। अगर एक कोई सुखी है दूसरे में दुखी है तो दिक्कत है, फिर आपका जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। उसके लिए पूरा सिस्टम जो है सुखी होना चाहिए। तो अभी डाइपोल पे आएंगे, पहले चलते हैं अपन सिंगल पोल की बात करते हैं, इसी को प्यार से अपन मोनोपोल बोलते हैं, है ना। तो अभी अपन आइसोलेटेड चार्ज, सिंगल चार्ज की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन पहले मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, चलो करो सॉल्व, दिमाग लगाओ, दिमाग भिड़ाओ, कुछ देखो, करो, कागज खराब करो, दिमाग खराब करो, करो मन लगाओ, क्या लगा सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, क्वेश्चन पूछेगा, यहां तो मैंने दे दिया कि क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर, बट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू अ सिस्टम विच इज कीप टू चार्जेस ऑफ इक्वल अमाउंट क्यू एंड क्यू, ओके, जिसमें दो चार्जेस क्यू और क्यू हैं और उनके बीच में रखा है एक स्मॉल चार्ज क्यू, तो स्मॉल क्यू की कौन सी वैल्यू के लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। देखो मैंने सिस्टम जोर डालो सिस्टम पे, स्मॉल क्यू की कौन सी वैल्यू के लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। चलो भाई कोशिश कर लो, फिर अपन बताते हैं।
डन। चलो कर लिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में? यस सर समझ आ रहा है। हाँ भाई एलिस अल्फ्रेड बेटा, समझ में आ रही तुम्हें फिजिक्स? यस सर। कोई दिक्कत? जितना बताया समझ में दिमाग में घुसा? यस सर। अच्छा चलो देखो कैसे करना है इसको। अब ये कह रहा है ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस प्लस क्यू। तो बेटा यहाँ पे दो इक्वल चार्जेस आप प्लस क्यू बना लो, ये बैठा है प्लस क्यू, ये बैठा है प्लस क्यू। अब इसके बीच में एक चार्ज बिल्कुल बराबर दूरी पर आपने बैठा दिया है क्यू। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी थी मान लो सपोज आर थी, और ये बिल्कुल बीच की दूरी पे बैठा हुआ है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चों? बहुत इजी काम, आर बाई टू। और यहाँ वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी? आर बाई टू। ठीक है, ये भी आर बाई टू पे बैठा है और ये भी आर बाई टू पे बैठा हुआ है। अब कह रहा है ये इक्विलिब्रियम पे है, तो चेक करो क्या हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। अब पहले मैं इस चार्ज को देखता हूँ क्यू को, मान लो सपोज ये पॉजिटिव मान लो या निगेटिव मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये पॉजिटिव है तो वाले को ये क्यू किस तरफ धक्का मारेगा? इधर धक्का मारेगा। किस फोर्स से धक्का मारेगा? एफ इक्वल टू स्मॉल के बड़ा चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर, इधर धक्का मारेगा इस दूर इस फोर्स से, और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का मारेगा। बोलो मारेगा कि नहीं मारेगा बच्चों, ये बात बताओ, यस कि नो? यस सर। और दोनों इक्वल अमाउंट के धक्के हैं, क्योंकि जब चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है तो फोर्सेस भी सेम लगेगा, मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। अब हम किसके इक्विलिब्रियम की बात करनी है? अब हमें लेफ्ट और राइट वाले चार्जेस के इक्विलिब्रियम की बात करनी है कि लेफ्ट और राइट वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई, कोई भी चार्ज पकड़ लो आप, आइधर लेफ्ट का देख लो या राइट का देख लो, अब उसको इक्विलिब्रियम में करने की अपन कोशिश करते हैं। तो इसकी देखो जिंदगी, अब ये जो राइट वाला चार्ज है, सुनो अलग से बता रहा हूँ, ये जो राइट वाला चार्ज बैठा हुआ है ये राइट वाला जो चार्ज बैठा हुआ है ये बताओ बेटा इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? कौन बताएगा इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? बोलो इस राइट वाले चार्ज पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? आर्यन बेटा तुम, हम तुम्हें क्लास से बाहर कर देंगे तुम चुप बैठे तो, या तुम बोल दो नहीं लग रहा है सर, बोल दो नहीं बनता सर, लग रहा है सर। हाँ तो कितने लग रहे हैं? चुप बैठने को नहीं आया हो क्लास में है या सो रहे हो क्या? जवाब दो कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ। अरे क्या यार, दो चार्ज बैठे हुए हैं, एक छोटा वाला क्यू लगाएगा इस पर फोर्स इस तरफ, और एक ये क्यू लगाएगा, दो फोर्स तो लगेंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर है, और यहाँ पे यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? आर बाई टू। तो दो फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स बड़ा वाला क्यू लगाएगा और एक फोर्स छोटा वाला क्यू लगाएगा। बोलो आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। तो एक लगेगा एफ की वजह से स्मॉल क्यू की वजह से, और एक लगेगा किसकी वजह से? एफ कैपिटल क्यू की वजह से। तो इक्विलिब्रियम की शर्त क्या होती है? इक्विलिब्रियम की शर्त होती है कि टोटल फोर्स बराबर जीरो, मतलब स्मॉल क्यू वाला फोर्स और कैपिटल क्यू वाला फोर्स की नेट वैल्यू कितनी होगी? जीरो। स्मॉल क्यू वाला फोर्स की वैल्यू रखियो के छोटा क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, बोलो डिस्टेंस कितनी लेंगे मुस्कान? स्मॉल क्यू वाले फोर्स की डिस्टेंस कितनी लेंगे इस चार्ज के लिए? सर आर, आर बाई टू लेंगे बेटा, स्मॉल क्यू से दूरी देखो आर बाई टू है सर, आर बाई टू। हाँ तो अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर क्लियर है। और प्लस दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू का फोर्स क्या है? के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। पहला चार्ज कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज भी कैपिटल क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? जीरो। जीरो, चलो ठीक है। अब एक काम करो सॉल्व करो, तो के
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू, ये जीरो के इस तरफ जाएगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जीरो के उस तरफ जाके माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों देखो के से के कैंसिल, कैपिटल से कैपिटल क्यू कैंसिल, ऊपर आया क्यू, नीचे आएगा आर का स्क्वायर और टू का स्क्वायर ऊपर पलटी मारेगा हो जाएगा फोर इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। आंसर बोलो क्यू इक्वल टू कितना, माइनस क्यू बाय फोर। चलो नोट करो अच्छे से। तो देखो इक्विलिब्रियम में ये है, अब ये बताओ मेरे को आर्यन सिंपल सी बात है, क्या मुझे इसका भी इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा इस लेफ्ट वाले का कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस से बराबर ही है, डिस्टेंस बराबर है और जो राइट में सिचुएशन बन रही है वो पूरी लेफ्ट में बन रही है, तो लेफ्ट में भी करोगे तो सेम टू सेम यही डेवलप हो जाएगा और आंसर यही आ जाएगा। यस, क्योंकि लेफ्ट में भी दो फोर्स लगेंगे, इधर वाले का छोटे वाले का एक बड़े वाले का, और सेम सिचुएशन आएगी तो वही आंसर आएगा। हाँ या ना? हाँ सर। चलो नोट करो अच्छे से। अब भैया जिससे ये क्वेश्चन, मतलब जिन लोगों ने अभी तक पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मेरी भी आ रही है ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करो, ट्वेल्थ तो निकल जाएगी मगर आगे के एग्जाम्स में दिक्कत बनेगी, ये थोड़े से मन मतलब आपका जो दिमाग है ना शार्प इस लेवल का तो होना चाहिए कि कुछ कर पाए अपन आगे। इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ लेने से नहीं कि हाँ फोर्स जीरो हो गया, वो इम्प्लीमेंट कैसे होता थोड़ा ये भी सीख के चलो कि इसको इम्प्लीमेंट अपन कैसे करेंगे। अभी मैं एक शीट भेजूंगा आज करीब 150-200 क्वेश्चन की, बढ़िया मिल रही है अभी आप लोग को, 2-3 दिनों की छुट्टियाँ तो खूब लगाओ 200-300 क्वेश्चन, जो ना बनेगा हम बताएंगे फिर। चलो फिलहाल इसको नोट करो जल्दी से, नोट करने के बाद डन बोल दो आगे बढ़े। लिख लिया भाई? यस यस सर। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका पहला पार्ट, आई होप सबको अच्छे से बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। हाँ ये देखिए आंसर है माइनस क्यू बाई फोर, मैंने सॉल्व किया है इसमें, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों ने बता दी आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के, इसी को बोलते हैं के, ठीक है। देन इसके बाद मैंने बहुत टेक्निकल बहुत ही आपको ऐसे समझाया कि आपको याद हो जाए कि मीडियम में लगने वाला फोर्स हमेशा एयर में लगने वाले फोर्स से कम होता है, क्योंकि मीडियम में बीच में मीडियम आ जाएगा तो बात ऐसे कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी, तो हमारा फोर्स कम हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम। यस, चलिए अगला टॉपिक लिखिए बच्चों, अगला टॉपिक लिखिए सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस इसी टॉपिक को बोलते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या है भैया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, आइए समझते हैं। ये अकेला चार्ज है क्यू वन, ये अकेला चार्ज है क्यू वन। भाई फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर एडिशन होता है। आइए देखते हैं क्या है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। मान लीजिए ये क्यू वन कोई चार्ज है और यहाँ पर बैठा हुआ है दूसरा चार्ज Q2, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और इसको रिपल करेगा, अगर दोनों चार्ज सेम है तो ये इसको आगे की तरफ धक्का मारेगा, और अगर यहीं इसी के आसपास दूसरा चार्ज बैठा हुआ है Q3 तो ये भी इसको रिपल करेगा
और इसको धक्का मारेगा यूं। तो इसने ये धक्का मारा क्यू वन पे, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये फोर्स, ये कहलाएगा फोर्स ऑन चार्ज वन बिकॉज ऑफ टू, दिस इज कॉल्ड एफ वन टू। और ये फोर्स क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन चार्ज वन बिकॉज ऑफ थ्री, फोर्स वन थ्री। अब ये दोनों फोर्स, एक फोर्स यहाँ लग गए, एक फोर्स यहाँ लग गए। अब ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा? निकलेगा आपके पैरेललोग्राम लॉ से या वेक्टर एडिशन लॉ से। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि किसी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सारे फोर्सेस का सम होगा। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वन वेक्टर, ओके। तो एफ वन, वन चार्ज पे लगने वाला फोर्स इक्वल टू वन पर लगने वाला फोर्स टू की वजह से, वन पर लगने वाला फोर्स थ्री की वजह से। अगर यहाँ पर कोई एक और होता क्यू फोर तो उसको भी जोड़ देते वन फोर की वजह से। बस ये बात हो रही है। और अगर एन चार्जेस हैं तो इट विल बी अप वन एन। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। लिखो नेट फोर्स, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख लो कि किसी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सारे फोर्सेस का अलग अलग वेक्टर सम होगा। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया समझ। तो ये हो गया वेक्टर सम। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर क्लास इलेवेंथ में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आकर के कई सारी वेव्स गिरती हैं तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। आपने क्या पढ़ा लास्ट ईयर? कि वाई वैक्टर इक्वल टू वाई वन वैक्टर प्लस वाई टू वैक्टर प्लस वाई थ्री वैक्टर। तो कुछ नहीं था यहाँ पे, वाई डिस्प्लेसमेंट क्या थी? वैक्टर क्वान्टिटी। अब यहाँ पे फोर्स वैक्टर क्वान्टिटी है, नोट कर लो। क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि जो नेट फोर्स होगा किसी चार्ज पर, मान लो चार्ज वन है, सो एफ वन इक्वल टू फोर्स, वन पर किसका फोर्स? टू का फोर्स। वन पर किसका? थ्री का फोर्स। वन पर किसका फोर्स? फोर का फोर्स। और मिल करके अगर उसे एन लोग घूसा मार रहे हैं तो वन पर एन का फोर्स, सबका वेक्टर सम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। चलिए दूसरा, अभी बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताऊंगा, अभी यहीं पर हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बगैर इस बात को जाने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी समझा रहा हूं बस, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई चार्ज वन है तो उस पर काम करने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वन पर टू की वजह से, वन पर थ्री की वजह से, वन पर फोर की वजह से, और लास्ट में वन पर एन की वजह से, सबका सम। हो सकता कोई बच्चा बोले सर वन टू लिया, वन थ्री लिया, वन वन क्यों नहीं लिया? कोई चार्ज खुद को कैसे घूसा मारेगा? दो चार्ज में फोर्स लगता है ना, सिंगल में थोड़ा ना फोर्स लगेगा। तो कोई फोर्स लगेगा तो दूसरे का लगेगा, तो वन पर किसका लगेगा? टू का लगेगा, वन पर थ्री का लगेगा, वन पर फोर का लगेगा, वन पर वन का तो नहीं लगेगा ना बच्चों, बोलो। यस नहीं, तो यहाँ पे वन टू। ये है सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे दो टॉपिक आज कवर हो रहे हैं, एक सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स और दूसरा सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ने की आज्ञा है, आगे बढ़ा जाए। यस सर, ओके। आइए देखते हैं इस पर बेस क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जो है क्वेश्चन वो हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आपसे वो एक्चुअली यहाँ पे आ तो गया है, बट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पर नहीं है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पर। हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज।
इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पर ये क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू फिक्स पॉइंट चार्जेस, फोर इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, ओहो ये चार इलेक्ट्रॉन है भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, निगेटिव, अच्छा प्लस है तो हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस दिए हो, और दूसरा क्या है प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ए, इन दोनों के बीच की दूरी ए है, इन दोनों के बीच की दूरी ए है, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, कह रहा बताइए कि तीसरा चार्ज कहाँ पे प्लेस किया जाए फॉर इट टू बी इक्विलिब्रियम। हाँ ये इट पे बड़ा स्ट्रेस डालो, देखो ये जो इट है ना, ये दो अक्षर एक काम तमाम कर देंगे इस सवाल का अगर आपने इसको गलत ले लिया हो। फॉर इट टू बी इक्विलिब्रियम, अब ध्यान से देखो फॉर इट टू बी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो तीसरा चार्ज ला रहे हो वो इक्विलिब्रियम में है कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सर थर्ड चार्ज, हाँ बस यही पकड़ना है भाई साहब, इसमें जो थर्ड चार्ज ला रहे हो वो इक्विलिब्रियम में हो, तो हमको यहाँ पर चार्ज का इक्विलिब्रियम देखना है, मतलब जहाँ भी हम उस चार्ज को प्लेस करें उस पर लगने वाला फोर्स का हो जाए जीरो। तो मान लेते हैं कि हम चार्ज को इन बिटवीन यहाँ में कहीं पर प्लेस कर देते हैं, सपोज यहाँ पर, ओके हमने मान लीजिए फोर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इस पर यहाँ पर कहीं पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया, और यहाँ से मान लिया मैंने ये दूरी है एक्स, तो अगर बच्चों ये डिस्टेंस मैंने एक्स ली है तो ये डिस्टेंस बोलो ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स, क्यों नहीं होगी क्या ए माइनस एक्स, उसने कहा है चार्ज को कहां पर प्लेस करो, तो अगर मैंने एक डिस्टेंस एक्स ले ली तो दूसरी वाली क्या बनेगी, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, बिल्कुल सही, क्यों मुस्कान, बाकी सारे बच्चे जवाब दें बेटा, अगर एक एक्स है तो ए माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी दूसरी, सर यस सर होगी। वन टू थ्री फोर फाइव, पांच बच्चे बचे, जुड़े थे ग्यारह, ठीक है, तो a माइनस एक्स डिस्टेंस होगी। अब आप चाहते हैं कि अगर यहां पर ये नेट इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स बराबर जीरो, नेट फोर्स बराबर जीरो मतलब जितना जोर का धक्का इधर लेफ्ट ने राइट वाले को मारा उतने दो जोर का धक्का लेफ्ट वाले ने राइट को मारा, उतने जोर का राइट वाले ने लेफ्ट को मारा, मतलब इस पर दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। तो ये देखिए, मतलब एक तरफ का फोर्स यहाँ वाला मान लिया ये को लग रहा है, इस वाले को मान लो एफ टू, और इधर वाला धक्का लग रहा है एफ वन, तो चलो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2, लगाइए फॉर्मूला क्या पढ़ाया सर ने, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K K Q1 मतलब पहला चार्ज ये Q, तो Q2 मतलब दूसरा चार्ज 4E अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की X, तो K Q इंटू 4E अपॉन X स्क्वायर, क्लियर। यस सर। दूसरा फोर्स देखो, पेयर ऑफ फोर्स के क्यू इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर बेटा। यस सर। चलो काटा कुटी कर दो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ है ना, इसको मैं सॉल्व कर दूँ, पहले मुझे ये बताओ ईमानदारी से ये वाली स्ट्रक्चर समझ में आ गई कि नहीं आई। यस सर आ गई। यस सर। अब एक काम करो, के से के को कैंसिल कर दो, थोड़ा गंदा हो गया, इसको हटा दें, जो जो कट रहे हैं K से A कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, क्या बच गया बेटा यहाँ पे देखो, 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू उधर 1 अपॉन a माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, चलो